हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक दो लेसन्स को इकट्ठा करके बनाया गया है विच इज़ प्राइजिंग एंड द परफेक्ट एंड इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन एम सी क्यूज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो लेट्स स्टार्ट इन डैश मार्केट द बायर और सेलर के नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइज हम किस मार्केट की बात कर रहे हैं जहाँ पे बायर या सेलर प्राइस को बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते चेंज नहीं कर सकते हैं तो हम बात कर रहे हैं प्योर कंपटीशन की क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं कि एक बायर या फिर एक सेलर कीमत को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे टोटल का एक बहुत ही छोटा पार्ट होते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश मार्केट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन मार्केट को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है जो हो सकता है जोग्राफिकल टाइम या फिर कंपटीशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा मार्केट है जिसे हमने कंपटीशन के बेस पे, पे क्लासिफाई किया है तो नेशनल वर्ल्ड लोकल ये हो गए बेस्ड ऑन जोग्राफिकल एरिया तो इसका मतलब परफेक्ट मार्केट जो है वो बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन है फोम टू बी इन इक्विलीब्रियम पोजिशन दिनवाय आर डैश एंड द एम सी कर्व शुड कट दर कर् फ्रॉम बिलो किसी भी फॉर्म को इक्विलिब्रियम पोजिशन अटेन करने के लिए दो कंडीशंस को इकट्ठा सेटिस्फाई करना होता है पहला है कि एम सी एम आर के बराबर होना चाहिए दोनों सेम होनी चाहिए और दूसरा कंडीशन की जो एम सी कर्व है उसने एमआर कर्व को नीचे से कट करना चाहिए अगर एमसी एमआर कर्व को ऊपर से कट करता है तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होती एमसी कर्व ने एमआर कर्व को नीचे से ही कट करना चाहिए तो यहाँ पे फिल में कौन सी कंडीशन आएगी एमसी इक्वल्स एमआर अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन एन इंडस्ट्री विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एवरी फर्म एन्जॉयज डैश यहाँ पे चार ऑप्शन दिए सुपर प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल लॉस नॉर्मल प्रॉफिट तो ध्यान देने जैसी बात यह है कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और लॉन्ग पीरियड इतना लंबा होता है कि कोई भी फर्म इजीली एंटर कर सकता है और इजीली एग्जिट भी कर सकता है अगर इंडस्ट्री में एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो कई सारे फर्म्स अंदर आ जाएंगे इंडस्ट्री में और प्राइस को वापस नीचे कर देंगे और वही अगर लॉस हो रहा है तो कई सारे फर्म्स इंडस्ट्री छोड़ के चले जाएंगे तभी बहुत सारे फर्म्स इंडस्ट्री में रहेंगे जब इंडस्ट्री में नॉर्मल प्रॉफिट होगा अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट अर्नस और इनकर्स डैश एक फर्म इक्विलिब्रियम में कब होती है जब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा सो द राइट आंसर इज अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट अर्नस मैक्सिमम प्रॉफिट अ डैश इज अ प्राइज मेकर मोनोपालिस्ट के पास पूरा कंट्रोल होता है ऑन द सप्लाई क्योंकि वो ऐसे गुड्स का सप्लाई करता है जिसके या तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी सब्सटिट्यूट नहीं है या फिर बहुत ही कम सब्स्टिट्यूट है तो उसका पूरा कंट्रोल सप्लाई के ऊपर होने के कारण वही प्राइस तय करता है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा The monopolist is a price मेकर चार्जिंग डिफरेंट prices फॉर the सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट बायर्स is डैश monopoly. Monopoly के तहत जो monopolist होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है ओवर द सप्लाई ऑफ गड्स तो वो क्या करते हैं कि अलग अलग प्राइसेस, एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर्स को चार्ज करते हैं इसे हम कौन सी मोनोपली कहेंगे तो द राइट आंसर इज डिस्क्रिमिनेटिंग मनुपली डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब होता है भेदभाव करना वो कीमत का भेदभाव करते हैं अलग अलग बायस को अलग अलग कीमत चार्ज करते हैं सो द राइट आंसर इज डिस्क्रिमिनेटिंग मनुपली प्रोडक्ट डिफ्रेंसी इज अ करेक्ट्रिस्टिक फीचर ऑफ डैश मार्केट प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर दो प्रोडक्ट हैं तो दोनों प्रोड्यूसर ये देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट को अलग पेश करे हो सकता है अलग तरीके से एडवरटाइजिंग करे प्रोडक्ट की पैकिंग अलग तरीके से करे तो किसी भी तरह से जब प्रोडक्ट को अलग किया जाता है उसे कहा जाता है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो खर्च किया जाता है उसे कहा जाता है सेलिंग कॉस्ट वैन सेलिंग कॉस्ट इनक्रीजेज द डैश फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेज एक आम इंसान को क्या लगता है कि कॉस्ट बढ़ गया तो प्राइस बढ़ेगी और प्राइस बढ़ गई तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी लेकिन यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट की बात की जा रही है सेलिंग कॉस्ट का मतलब वो खर्च जो प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है इससे क्या होगा कि एडवर्टाइजमेंट के कारण डिमांड बढ़ेगा तो वैन सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज़ेस, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑल्सो डैश मार्केट सो द राइटर इज ओलिगोपोली ओलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू सेलर्स, फ्यू सेलर्स का मतलब इतने सेलर्स जिसकी गिनती हम आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स है वो एक दूसरे को कॉपी करते हैं अगर एक कॉम्पिटिटर अपनी प्राइस प्रोडक्ट की कम कर देता है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ जाती है ये देखकर बाकी के कॉम्पिटिटर्स भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देते हैं वही अगर ये एक फॉर्म अपनी प्राइस बढ़ाता है जिससे उसकी डिमांड कम हो जाती है तो बाकी के कॉम्पिटिटर्स प्राइस बढ़ाने की नहीं सोचते हैं इसीलिए जो डिमांड कर्व है वो किंग हो जाता है कुछ इस तरीके से डैश इस कैरेक्टराइज वेयर देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड द इंडस्ट्री ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि हम किसी भी फर्म और उसकी इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं देखते द राइट आंसर इज मोनोपोली क्योंकि वहां पे एक ही सेलर है और वही फर्म इंडस्ट्री फॉर्म करती है इंडस्ट्री का मतलब होता है सारे फॉर्म्स को इकट्ठा करना क्लब टुगेदर करना विच एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म बेसिस यहाँ पे एक ही फॉर्म है तो वही फॉर्म इंडस्ट्री बन जाती है यहाँ पे इंडस्ट्री ऑफ फॉर्म में कोई फर्क नहीं होता डैश इज दैट मार्केट इन विच सिंगल प्रोड्यूसर कंट्रोल्स द एंटायर सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विच मिनिमम और नो no सब्स्टिट्यूट वो मार्केट जिसमें सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है जो पूरे सप्लाई जो कमोडिटी की है उसे कंट्रोल करता है क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसका कोई सब्सटिट्यूट नहीं है या फिर थोड़े से ही सब्सटिट्यूट है तो हम किस मार्केट की बात कर रहे हैं राइट मोनोपोली मोनोपोली का मतलब देखते हैं मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर तो मुनपुली का मतलब होता है सिंगल सेलर इस वीडियो में इतना ही बस हम आपसे विदा लेते हैं मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय